नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय टीवी चैनल प्रजातंत्र टीवी। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में सुभाष चौकी परिसर के बाहर नो एंट्री में चार पहिया वाहन मना करने को लेकर पिकअप कार सवार महिला ने पुलिस की पीआरडी जवान महिला से मारपीट कर दी। यही नहीं, पुलिस चौकी के सामने मारपीट की घटना को देख मौके पर पहुंचे दरोगा पर हमला कर दिया। महिला ने मुंह से हाथ काट दिया। दिन दहाड़े पीआरडी जवान महिला से मारपीट और दरोगा पर जानलेवा हमले को लेकर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। महिला को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्या हो गया, क्या घटना घट गई? घटना ये घट गई कि यहाँ से पिकअप निकलने लगी, नो एंट्री में आने की, यहाँ आ गई सामने तक हमारे, हम उसको बैक करने लगे। बैक करने में तुरंत महिला आ गई। महिला आने के बाद हमसे कह रही है कि यहीं से जाएगी। हमने उसको बैक किया, वो पीछे करके वो एकदम से हमसे लड़ने लगी, हाथा पहिया करने लगी। इतने में पब्लिक के आदमी जुड़ गए, फिर उन्होंने हमें बचाया। ये थाना कोतवाली के सुभाष चौकी क्षेत्र में एक महिला के द्वारा तमीजी करना और हथियारी जो हमारी महिला कर्मी थी उसके साथ हाथापाई करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। एक जो टेम्पो था वो नया पार्किंग जोन में खड़ा था, उसी को हटाने के लिए महिला पीआरडी द्वारा कहा गया तो वहीं पर महिला जो खड़ी थी उसके द्वारा महिला पीआरडी करने से बचाने की दी गई और उसके साथ हटा दी गई। बाद में चौकी इंचार्ज जो प्रभारी चौकी इंचार्ज थे विनोद सिंह, उनके आने के बाद उनको वहाँ से हटवाया गया, तो बाद में उनके हाथ भी लाठों से काट रहा है। पुलिस इसमें अपना जो विधिक कार्रवाई है वो करते हुए महिला के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।